सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी। जी हां, ब्रेड की रसमलाई। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रेड लेना है, और ब्रेड का जो साइड वाला पोर्शन होता है, जो ब्राउन ब्राउन साइड का होता है, उसको हम अच्छे से चाकू से कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारा रिमूव कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इनको स्लाइसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो इनको किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं। मैं इनको छोटे छोटे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ राउंड शेप। देखिए, मैं एक ग्लास का यूज कर रही हूँ। आप लोग, अगर आपके पास कुकीज कटर हो या फिर नहीं भी हो, तो आप कटोरी से या फिर किसी के घर में जो आपके पास ग्लास अवेलेबल है, उससे आप राउंड शेप दे सकते हैं। बहुत इजी है। तो ये देखिए, अब मैंने ली एक कटोरी, और मैं इसमें ऐड करूंगी 4 चम्मच मिल्क पाउडर, मलाई, जो फ्रेश मलाई होती है वो आप यूज करिएगा 2 चम्मच, जो दूध पे मलाई लगती है वो आप यूज करिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच पिसी चीनी। आप जो चीनी होती है उसको घर में मिक्सी में पीस सकते हैं। मिला लेंगे अच्छे से। देखिए, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। गर्म दूध मत यूज़ करिएगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है वो दूध यूज़ करिएगा आप। अच्छे से मिला लें। ये हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जो हमें ब्रेड के अंदर फिल करना है। तो हमारी फिलिंग ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर 4 चम्मच, थोड़ा सा दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे। मिला लेंगे ताकि लम्स ना रहें। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें शुगर, पिसी चीनी 2 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी केसर वाला दूध। तो जैसे जो गर्म गर्म दूध होता है, आप उसमें थोड़ी सी केसर की स्टिक्स डाल दीजिए, तो वो ये आपका केसर का दूध तैयार हो जाएगा। ठंडे दूध में मत डालिएगा। अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने लिए हैं कुछ कटे हुए बादाम, पिस्ता, थोड़े से काजू, चिलौंजी। तो ये हमारा तैयार हो गया केसर वाला दूध, जिसे हम डालेंगे रसमलाई में। ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध, इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। इसका यूज़ हम आगे करेंगे, तब तक इसको एक साइड रख लीजिएगा ऐसे मिला के। तो अब बारी आती है स्टफिंग की। तो ये जो फ्रिज में मैंने रखा था मिक्सचर, वो हमने बाहर निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसको एक एक करके ब्रेड्स पे लगा लेंगे। तो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब जो दूसरा ब्रेड का टुकड़ा है, उसको उसके ऊपर रखेंगे और साइड से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है, देखा। तो ऐसे ही मैंने सारे तैयार करके पहले से रख लिए हैं।
तो आप मेरे लिए एक प्लेट और जो भी मेरे स्टफिंग के ब्रेड्स हैं वो उसमें रख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने दूध वाला जो मिक्सर बनाया था चीनी डाल के, वो हम इसके ऊपर धीरे धीरे करके डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेड है वो अंदर तक सोक कर लेंगे और ये स्पंजी हो जाएंगे। देखा कितना आसान है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर घर में दूध कम है तो हम कैसे रसमलाई बनाएंगे, नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी केसर वाला दूध, बहुत ही सिंपल है यार। अभी रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा और सबका मुँह मीठा करिएगा। तो देखा आप सबने कितने आसान तरीके से हम घर में ब्रेड की रसमलाई बना सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग भी ये रेसिपी जल्दी से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की रसमलाई कैसे बनी। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।